शिफ्ट आती हैं जनाब मुहतरमा मुहतरमा अमर सिंधु साहिबा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर, अमर सिंधु साहिबा। जिस तकरीब में मुझे इन तीनों जमान के रहनुमा नजर आए हैं, हम गुज़िश्ता अपने माजी के लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं जिनका इस सियासत से गहरा ताल्लुक रहा, और मुझसे पहले जो दो स्पीकर्स आए मुझे लगा है कि हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा खासा रोशन हो सकता है। और इस हवाले से जब आपने मुझे कुछ बात करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया तो सच्ची बात यह है कि इस गुज़िश्ता माजी में 7 जनवरी 1953 की तरह कुछ मेरे हिस्से की तारीख भी है जो मैंने पढ़ी और जो मेरे सियासी शऊर में आज भी रची बसी है। मैं कुछ उस माजी का भी जिक्र करना चाहूँगी और कुछ हमारे हाल का भी जिक्र करेंगे, और मैं समझती हूँ कि मैं आज के इस नुक्ते पे खड़ी होकर गुजरने वाले कल और आने वाले कल का थोड़ा सा जायजा पेश कर सकूँ अपनी इस बात में। कसीर कौमी रियासत पाकिस्तान को आज जिस शदीद रियासती और सियासी बहरान का सामना है, और हम इस पर रियासती बहरान इसलिए कहते हैं कि आज हर एक की जबान पर यह है कि इस रियासत का क्या बनने वाला है, इसका मुस्तकबिल क्या है। तो अब यह सियासी बहरान जिस रियासती बहरान की शक्ल अख्तियार कर गया है वो मेरे ख्याल में दरहकीकत उसी सियासी अमल की अदम मौजूदगी का ही एक मंतकी अंजाम है जो तलबा सियासत की सूरत में सियासी तनकीदी शऊर की तशकील और सियासी क़यादत के खदोखाल तराशने की पहली दर्शका होती है। सियासत को अमली फिक्री और शऊरी तरबियत देने वाला शागिर्द सियासत का ये दारा दरहकीकत सियासत में वो पहली सीढ़ी साबित होता है जो सियासी तहरक को एक तहरीक की शक्ल देता है। सिंध ने अगर इस हवाले से खास तौर पे जामशोर कैंपस के हवाले से अगर जायजा लिया जाए तो ये तलबा सियासत ही है जो मरवज नसल दर नसल मौरसी सियासी क़यादत के मुकाबले में एक मुतबादल क़यादत की फराहमी का काम करती रही है। सिंध के सियासी फक पर आज भी निचले तबके से उभरने वाली मिडिल क्लास की जो सियासी क़यादत मौजूद है वो दरहकीकत इसी शागिर्द सियासत की बरौने मिलत है जो कैंपस से मशहूर थी और जिन्होंने कैंपस से सफ़र शुरू किया और ऐवानों तक पहुँचे। ये अलग बात है कि वो तब्दीली का जो ख्वाब लेकर चले थे उस ख्वाब के रास्ते में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ भी होंगे, बहुत सारे शिकस्त के बाद भी होंगे, लेकिन यह ज़रूर है कि आज की सियासी इल्मी और आदबी उफक पर जो हमें नाम मिलते हैं वो सिंध में इसी शागिर्द सियासत की मरों ने मिलत है। इसी शागिर्द सियासत को मैंने यहाँ पर तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक 60 की दहाई में जो शागिर्द सियासत का उभार था, फिर 70 और 80 की दहाई में उसका नज़रिया की नुक्ता उरूज, और उसके बाद 80 और 90 की दहाई में फिक्री अमली और इल्मी जवाब पजीरी। इस वक्त भी तीन यूनिवर्सिटियों का मरकज है और उस वक्त भी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर, लियाकत मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की शागिर्द सियासत की नुमाइंदगी करता था। जब भी पिछली नस्ल से नस्ल जागीरदाराना सियासत के बरक्स कैंपस की सियासत उस तबके का तालबिल कर रहा था जो मुझसे पहले मुकर्रर ने कहा कि जिसका ताल्लुक
गांव घोट से है, जिसका ताल्लुक देहात से है और जिसका ताल्लुक निचले तबके से था। वो समाज की निचली सतह से उभर कर सामने आया था, दुनिया की शागिर्द सियासत के ऐन बरक्स। उस वक्त की सियासत शागिर्द सियासत एक नज़रिए या पार्टी की बुनियाद पर चलने की बजाय वो उस यूनियन की क्यादत में मुतहरक हुआ रही थी जो यकीनन मुल्क में अयूब आमलेत मुखालिफ सियासत के असर में तो थी, मगर सियासी तौर पर किसी बाहर की सियासत की या सियासी पार्टी की मरहून मिन्नत नहीं थी। कसीर उल-कौमी रियासत में ये अभी से टाइम अब हो गया है, तो मेरे ख्याल में मुझे ये जो मैं पेपर लिख कर आई थी तो उसको समेट लेना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर तीन अदवार बयान किए। उन तीन अदवार में हमने उसका आगाज़ भी देखा, उसका नक्ता उरूज भी देखा और उसके बाद उसका जवाल भी देखा है। और उस जवाल में यकीनन ज़ियाउल हक़ की शागिर्द यूनियन में पाबंदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन उसके बाद सियासत की अमली तौर पर अदम मौजूदगी ने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया। मैं एक छोटा सा जो है आपके बाजत के साथ एक ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी उस वाक़े का, जो वाक़े कभी तारीख के हाशिए में भी शायद कभी दर्ज ना हो सके, और हो सकता है कि कभी हम उनको भी इस तरह से ट्रिब्यूट पेश करें। ये कंडियारों के मैरापुर के एक छोटी सी बच्ची का किस्सा है, और वो छोटी बच्ची जो हाई स्कूल की स्टूडेंट है, सातवीं आठवीं क्लास की स्टूडेंट है और अपने स्कूल में अपने स्कूल की यूनियन की जनरल सेक्रेटरी चुनी जाती है। मैरापुर स्कूल की वो बच्ची जब यूनियन की जनरल सेक्रेटरी बनती है तो उसके पास जो पहली जिम्मेदारी आयद होती है कि अब शागिर्द सियासत के लिए कुछ करना है, तो वो एक मुतालबा लेकर सामने आते हैं। वो मुतालबा था कि उस छोटे से शहर में एक कॉलेज कायम किया गया जाए, और मैं आपको बताती चलूँ कि उस बच्ची की पहली गिरफ्तारी उसी मुतालबे पर हड़ताल कराने से होती है। और उस बच्ची का नाम, जैसे अभी मुझे नहीं पता कि आलिया को भी उसका पता होगा, कि उस बच्ची का नाम कामरेड हमीदा गांगरो है, और वो कामरेड हमीदा गांगरो उसी शहीद नज़ीर अब्बासी की देवा है जिस शहीद नज़ीर अब्बासी को ज़िया के दौर में इसी तशद्दुद का शिकार बनाकर उसका जिस्मानी तौर पर खात्मा किया गया। मैं इस मिसाल के साथ सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि उस वक्त सिंध की सियासत न सिर्फ एक बड़े कैंपस तक महदूद थी, लेकिन उस वक्त भी सिंध के छोटे बड़े शहरों में ये यूनियन न फकत फाल थी, वो अपना तारीखी किरदार